बिहार से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। शराबबंदी कानून को लेकर बिहार कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। नीतीश कैबिनेट ने शराबबंदी के कड़े कानूनों में बदलाव करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक अब शराब मिलने पर घर, वाहन और खेत जब्त करने के प्रावधान को खत्म किया जाएगा। कानून से कड़े प्रावधान हटा दिए गए हैं। घर और वाहन जब्त अब नहीं किए जाएंगे। शराबबंदी पर नीतीश कुमार का यू टर्न। आपको बता दें कि वैसे भी बिहार के अलग अलग हिस्सों से शराबबंदी के बावजूद शराब बिकने की खबरें सामने आती थी, जिस पर नीतीश कुमार सवालों के घेरे में रहते थे। और अब शराबबंदी पर नीतीश कुमार की सरकार ने ले लिया है यू टर्न। घर, गाड़ी, खेत में शराब मिलने पर अब जो कड़े कानून के प्रावधान सरकार की ओर से बनाए गए थे उसको वापस ले लिया गया है। प्रकाश कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रकाश, ऐसा क्यों किया गया? दरअसल पिछले दिनों एक बात सामने आई थी कि जिस तरह से विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहे थे कि ज्यादातर जो दलित हैं और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हीं को पकड़ा जा रहा है, सजा हो रही है और इसका बुरा परिणाम देखने को मिल रहा था। शराबबंदी को कहीं ना कहीं धक्का पहुंच रहा था इस मामले में और इनका वोट बैंक भी खिसक रहा था। तो इसमें जो फैसले लिए गए उसमें एक अहम ये भी फैसला है कि जिन लोगों को 3 साल की सजा हो जाएगी या हो गई है उन्हें इससे मुक्त कर दिया जाएगा। यानी कि अब 8 साल और 10 साल की जो सजा पहले प्रावधान था वो भी एक तरह से उसमें भी ढील या उसमें भी परिवर्तन कर दिया गया है। शुक्रिया प्रकाश इस पूरी जानकारी के लिए। कुल मिलाकर 2019 की राजनीति के तहत बड़ा फैसला और जाहिर है अब विपक्ष इस पर नीतीश कुमार को घेरेगा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।